लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में तीन रैलियां कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। सुबह 10 बजे पंचुआ हॉस्पिटल के सामने जैतपुर मार्ग बाराबंकी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट फतेहपुर में आयोजित होगी। तीसरी जनसभा दोपहर 1 बजे हमीरपुर के राठ इलाके में होगी। तो आज भी यूपी में कई सारी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करेंगे और दोबारा से बीजेपी सरकार बनाने की जनता से मांग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह की जनसभा होनी है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, बलरामपुर, अयोध्या, कानपुर और बिहार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल पर पहुंचेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे बलरामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर 2 बजे अयोध्या में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे बिहार के छपरा में पहुंचेंगे और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार से लौटने के बाद में शाम 7 बजे लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज रायबरेली और अमेठी में संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। रायबरेली की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी और दोपहर 12:30 बजे अमेठी में और दोपहर 3 बजे रायबरेली में जनसभा होगी। रायबरेली की रैली में तीनों नेता मंच पर मौजूद होंगे।